1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में लिबरल्स के द्वारा यूरोप में जो रिवॉल्यूशंस किया गया उसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। यूरोप में 1848 में दो रिवॉल्यूशंस एक साथ चल रहे थे, यानी दो अलग अलग रिवॉल्यूशंस चल रहे थे। एक तरफ रिवॉल्यूशंस में पुअर, अनएम्प्लॉय और भूखे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस रिवॉल्यूशंस को सपोर्ट करने वाले दूसरे तरीके से जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे। एक फ्रांस में फरवरी 1848 में रिवॉल्यूशंस का रिजल्ट यह होता है कि फ्रांस को सफरेज मिल जाता है, न्यू रिपब्लिक फॉर्म हो जाता है और पार्लियामेंट्री आधार पर गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करने लगती है। इसी तरह के इंडिपेंडेंस को देखते हुए दूसरे भी जो अदर यूरोपियन नेशंस थे वह भी इसी तरह के राइट्स अपने देशों में या इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल करना चाहते थे, जिसमें जर्मनी, इटली, पोलैंड इस तरह के देश शामिल थे। पुरुष और महिला दोनों मिडिल क्लास एक साथ मिलकर ऐसे ही नेशनल यूनिफिकेशंस की बात जो है वो हर जगह करने लगे और इसका रिजल्ट यह हुआ कि यूरोप के डिफरेंट पार्ट में इसी तरह के रिवॉल्यूशंस 1848 में देखने को मिलने लगे। जर्मनी का केस भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता है। जर्मनी के केस में बहुत सारे मिडिल क्लास और एजुकेटेड मेंबर, प्रोफेशनल्स, बिजनेस क्लास के सारे मेंबर्स जो है मिलकर एक साथ चाहते थे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन किया जाए, जो जर्मन नेशनल असेंबली के द्वारा रन किया जाएगा और इसी पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में रहकर जर्मनी में भी मोनार्की सिस्टम्स को डेवलप किया जाए, यानी जर्मनी में किंग तो होगा लेकिन वह पार्लियामेंट के अधीन रहकर, अंडर में रहकर काम करेगा। इसके लिए मई 1848 में जर्मनी के डिफरेंट पार्ट से 831 मेंबर्स को जो है वो चूज किया जाता है और उन मेंबर्स का काम यह होता है कि इनके द्वारा जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी वहीं गवर्नमेंट जो है रूल करेगी और राजा इन्हीं के अंडर में रहकर काम करेगा। फ्रेडरिक विलियम फोर नाम के प्रशियन राजा को यह काम सौंपा जाता है कि वह पार्लियामेंट का हेड बने, लेकिन जब उसे यह ऑफर मिलता है तब वह रिफ्यूज कर जाता है और एरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव के साथ जाकर मिल जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि जो पार्लियामेंट फॉर्म किया जाना था जर्मनी में वह पार्लियामेंट फॉर्म नहीं हो पाता है और यह मीटिंग जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन इसके कंटिन्यू इस तरह के विद्रोह जो है वो दूसरे क्षेत्रों में भी चलते रहे। दूसरी तरफ महिलाओं की बात की जाए, वुमेन्स की, तो वुमेन्स शुरू से ही हर तरह की पॉलिटिकल राइट्स पाने के लिए शुरू से एक्टिव मेंबर्स का काम करते रहे हैं, चाहे वो मूवमेंट हो या कहीं भी विद्रोह करना हो उसमें महिलाएं अपना कंट्रीब्यूशन देती रहीं। इसके लिए महिलाओं ने कई तरह के लिबरल मूवमेंट्स भी स्टार्ट किए और उन मूवमेंट्स में महिलाओं अपना पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, न्यूज़पेपर पब्लिश की और कई तरह की मीटिंग कर अपने राइट्स के लिए, क्योंकि हर बार जो है वो महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया जाता था, इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता था। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल यह भी आप ले सकते हैं कि 1848 में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन हुआ था या गठन करने की बात चल रही थी उस समय भी महिलाएं शामिल हुई थी वहां पर, लेकिन केवल एज अ विजिटर के तौर पर, इन्हें किसी भी तरह का वोट देने का अधिकार नहीं था और इसीलिए महिलाएं चाहती थी कि उन्हें भी इस तरह के राइट्स मिले ताकि वह भी वोट कर सके। एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की गवर्नमेंट जो थी वह चाहती थी कि अब जो सिस्टम है उसे बदलाव करना ज़रूरी है, अन्यथा इस तरह के रिवॉल्यूशंस कंटिन्यू होते रहेंगे डिफरेंट पार्ट में, और रिवॉल्यूशंस को रोकना है तो लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार और कुछ ना कुछ राइट्स देने होंगे। अगर इन्हें राइट्स नहीं दिया जाएगा तो ये रिवॉल्यूशंस कंटिन्यू होते रहेंगे और उसी रिवॉल्यूशंस को रोकने के लिए जर्मनी और डिफरेंट यूरोपियन पार्ट में जो है वो कंजर्वेटिव और एरिस्टोक्रेसी ने लोगों को 1815 के दौर के जो राइट्स थे जो नेपोलियन के समय में थे,
जैसे सफरेज था तो वो सबके लिए होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ वो सबके लिए होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए होना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे राइट्स को जो है वो फॉर्म किया गया।